मुलाकात हुई थी आशिक के ख्वाजा गरीब नवाजे और अजमेर शरीफ से आ रहे थे यहाँ पे ठीरिया के लिए आते हैं यहाँ पे। ये मतलब ये फोन नहीं चाहिए, ये छीन लेते हैं। कौन नहीं पकड़ा मैंने, तो इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा जल्दी से। नहीं आ रही एक साल से, हो जाए आज मेरी सलाम करने। आओ। अच्छा जुमेरात के दिन काफी यहाँ पे लोग आते हैं हाजिरी के लिए, बहुत लोग आते हैं। बहुत फायदा हुआ सब लोगों को। अच्छा चलो यहाँ पे कुतुब बरेली शाद आना वाली सरकार के दरगाह के बारे में पूरे डिटेल से मैं आप लोग को बताऊंगा। आइए। जब शहजाना वली सरकार यहाँ पर आए थे तो यहाँ पे उस टाइम पे गंगा बहा करती थी और उन्होंने इशारा किया कि यहाँ से चली जाओ, तब यहाँ पे और ये यहाँ का उसमें ये एंट्री गेट होता है, यहाँ से उर्स के टाइम पे ये एंट्री गेट है। यहाँ से उर्स के टाइम 4 रबीउल थानी को यहाँ पे उर्स मनाया जाता है हर साल और 712। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसे आप देख सकते हैं ये माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत गुंबद बनाया हुआ है। अजमेर से आया हूँ मैं, अजमेर दरगाह शरीफ से। मेरे बाप दादे दादों से वलियों के गुलाम और रहेंगे, आने वाली पीढ़ी को भी मैं बता के जाऊंगी। गरीब नवाज मैट्रेस एंड इलेक्ट्रॉनिक ख्वाजा गरीब नवाज के दीवाने, तो माशाल्लाह आपको हर कोने में गरीब नवाज का करम है। आज मेरे कार्यालय में तशरीफ लेके आया, मैं इनका तहे दिल से इस्तकबाल मैं माशाल्लाह। ये हमारे फिरोज भाई यहाँ पे जो बैठे हैं, फिरोज भाई जो हमारे साथ ट्रेन में भी थे माशाल्लाह सफर में, तो ये इनकी खुद की कंपनी है माशाल्लाह। काम में खूब तरक्की आता होगा राजा जी के सबके, तो फैल में इनकी जितने भी बिगड़े हुए काम है सब इंशाल्लाह वो आसान फरमा देगा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि, मैं हूं आपका दोस्त और भाई अजमेर दरगाह शरीफ खादिम मोहम्मद चिश्ती में। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसे मैंने आप लोग को बताया मैं यूपी बरेली साइड ज्यारतों पे आया हूं, दरगाहों की ज्यारतों पे आया हूं, और मेरे ब्लॉग के ज़रिए मैं आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा दरगाहों की मैं ज्यारत करवाऊँगा। इसी दौरान हमारी यहाँ पे शाद आना वाली सरकार पे हमारी हाजिरी होने का तशरुफ होने वाला है और हम लोग आए हैं शाद आना वाली सरकार के ज्यारत पे। अस्सलाम। और ये हमारे हसन भाई है यूपी बरेली से, ये तो ये हमें आज पूरी जितनी भी दरगाह है हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे। आप लोग ब्लॉग में बने रहें और खादिम भाई हमारे साथ में हैं, तो ये पूरा एक्सप्लोर करके आपको बताएंगे कैसे कैसे क्या बाजार मुबारक है। आइए चलिए अंदर चलिए। भैया पकड़ वाले यार, बात लग गया पड़ता है, थोड़ा पकड़वा लीजिए भैया, दो दिन हाथ लग रहा है। जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कुतुब-ए-बरेली है, सैयद शाह दाना वली सरकार है, उनके दरबार में हम आए हैं ज़्यारत करने के लिए। और हमारे हसन भाई इंशाल्लाह हमें डिटेल में भी बताते जाएंगे पूरी हिस्ट्री क्या है दरगाहों की, क्योंकि ये ज़्यादा जानते हैं यहाँ पे दरगाहों के बारे में, तो आप हमें सब डिटेल में बताऊँगा। ज़्यारत कर लेते पहले, फिर उसके बाद बात करेंगे।
तो यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे, जैसे हसन भाई ने हमें बताया, हम उनसे ज़्यादा बेहतर जान पाएंगे कि दरगाह किन की है। और पूरा मैं इंशाल्लाह आप लोग को इस ब्लॉग के अंदर मैं आप लोग को बताऊंगा शादाना वाली सरकार के दरगाह के बारे में पूरे डिटेल से मैं आप लोग को बताऊंगा। आइए अली, हमारे नासिर अली भाई है, बरेली में रहते हैं और शादाना वाली सरकार पे इनकी फूल की दुकान भी है और चाय की दुकान भी है। तो ये हमें डिटेल से बताएंगे, आप थोड़ा तेज आवाज़ में बता दीजिए। ये बहुत पुरानी दरगाह, सदियों पुरानी दरगाह है। यहाँ पहले आप बसे थे तो ये जंगल था, कुछ भी नहीं था। तो कुछ लोग जो है वो गधे पे लेकर जा रहे थे, मतलब चीनी जी, तो उनको चीनी को लेकर जा रहे जी, चीनी लेकर जा रहे। तो बताया कि इसमें क्या है, सरकार ने पूछा इसमें क्या है, तो बताया कुछ नहीं, रेत है। तो ठीक है, रेत हुई। और जब वो आगे बढ़े तो देखा तो रेत थी। लौट के आए वो नया कम से कम सरकार ने माफ कर दे जी, और ये हमारी चीनी दी और हमने आपको रेत बताया झूठ बोला, तो लेकर जाओ तो चीनी होगी जी, तो वो चीनी होगी, चीनी निकली। हाँ, तरीके से करमाते हैं सर। और क्या क्या जैसे यहाँ पे, यहाँ पहले गंगा बहती। अच्छा, हाँ वो वाला किस्सा सही से बताइए। मुझे मतलब गंगापुर के नाम से फेमस है, गंगापुर गंगा बहती। और ये जो एरिया है मेरे प्यारे भाई और बहनों, गंगापुर नाम था इस एरिया का, यहाँ से गंगा बह के जाती थी एक ज़माने। और उन्होंने अभी शादाना वाली सरकार के करामात भी बताए माशाल्लाह। रेत रेत को उन्होंने शक्कर बना दी है। हाँ, और ये जो यहाँ पे बस्ती हुई है, ये गंगा को आपने यहाँ से हटाया है तो ये गंगा से ही यहाँ बस्ती बसी है। गंगा को हटाया तो यहाँ से फिर वो यहाँ पे बस्ती बनी। गंगा जो है वो वादा करने के लिए मैंने एक बार सलाम करने के लिए, और ये जो है ये तलब इनके मदार साहब के सिलसिले से मदार साहब। और कितनी पुरानी मज़ार है कितने पुरानी दरगाह है? अच्छा, 712 वर्ष। और बहुत धूमधाम से बनाया जाता है, 700 साल पुरानी दरगाह हो तो फिर तो माशाल्लाह काफी पुरानी दरगाह है माशाल्लाह। और करामात बता दो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे भैया जी लोग आते हैं, इनकी हाजिरी होती है, सही होकर जाते हैं। तो मतलब दूर दूर से लोग आते हैं, मतलब जैसे आप लोग हाजिरी आ रही है उनको। तो और क्या क्या करामात आप बताइए? ये करामात ये सब जो मतलब लोग आते हैं, फैज आते हैं, मतलब जो इलाज किया होता है वहीं पर होता है, ज़्यादा ना पड़े ये इलाज वगैरह मतलब हार जाते हैं आते हैं। जैसे कि भाई जान ने सबसे जानकारी ली, हमें पूरी इस तक की जानकारी कि ये जो एरिया है ये गंगापुर के नाम से यहाँ पे आज भी मशहूर है। जब शादाना वाली सरकार यहाँ पर आए थे तो यहाँ पे उस टाइम पे गंगा बहा करती थी, और उन्होंने इशारा किया कि यहाँ से चली जा, तब यहाँ का ये एरिया बसा है। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं एरिया आज भी मशहूर है गंगापुर के नाम से। तो उनकी इतनी बड़ी करामात है कि यहाँ से शिफ्ट करके उन्होंने गंगा रामपुर रोड पे कर दाना जो है ये सरकार। और यहाँ पे अदालतें होती हैं, लोगों के जो मसले हैं वो सब यहाँ पे शादाना वाली सरकार अपने फैसले अल्लाह के हुक्म से सब ठीक करते हैं यहाँ पर। और बाकी इनकी बहुत ढेर सारी करामतें हैं, कुतुब बरेली का इन्हें पूरा निज़ाम मिला हुआ है, सब किताब मिला हुआ है, सब बरेली के मालिक हैं माशाल्लाह। और काफ़ी फैज फैलाया है यहाँ पे, जब आए थे सब कई लोगों को इस्लाम फैलाने में इन्होंने बहुत मदद करी है, अपना दीन बचाने के लिए बहुत मदद करी है।
तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसे मैंने आप लोग को अभी आप लोग को पता है, मैंने काफ़ी आप लोग को डिटेल से मैंने ज़्यारत करवाई भाई। हम लोग और भी थोड़ा और देख लेते, और क्या भाई जगह के अंदर ही हुए जी अंदर ज़्यारत करके आ गए। हम तो भैया बोल लेते हैं, बोलने में कोई शर्म नहीं। इसमें माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसमें तीन गेट्स हैं, एक दो और तीन, तीन तरफ से माशाल्लाह खुली हुई है दरगाह। और ये यहाँ का उसमें ये एंट्री गेट होता है, यहाँ से ओट्स के टाइम पे ये एंट्री गेट है, यहाँ से ओट्स के टाइम पे स्टार्ट सारी एंट्री जितनी होती है सब यहीं से होती है। अंदर सब लोग जितने जाते हैं सब यहीं से जाते हैं, बहुत बहुत भीड़ रहती है। और यहाँ पे उनके सब और साथ वालों की भी मदार मुबारक है, यहाँ काफ़ी भीड़ रहती है। एंट्री और एंट्री का गेट ये रहता है, ये दोनों गेट दिखा दो। क्या नाम है भाई आपका? चार रबीउल थानी को यहाँ पे उर्स मनाया जाता है हर साल, और 712 कितने साल सत्तरवीं वो क्या होता है, सत्तरवीं का होता है हर छः महीने में, चांद के 17 तारीख को, साल में दो, चांद के 17 तारीख को होता है, ईद की 17 तारीख। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इधर आओ, ये यहाँ पे शाहदाना वाली सरकार का सर मुबारक है ये तरफ। और जैसे मैंने आप लोग को बताया माशाल्लाह, हमारे हसन भाई ने तो काफ़ी हमें इन्फॉर्मेशन दे दी, जितना लोगों को यहाँ नहीं पता उससे ज़्यादा हसन भाई ने हमें डिटेल में बता दिया। ये लड़की पेशी कहते हैं इसकी तरह मोबाइल मत घुमाएं, नहीं तो बहुत चली चली, कोई बात नहीं, बुला लो भाई। एक ये कौन है? इधर का ले लो अभी, हाँ इधर का ले ली, ये उनके साथ के ही हैं। कौन है बताओ? बता दी अजमेर शरीफ से खादिम साहब, गरीब नवाज, बताओ। अच्छा, ये कैलाशा मियाँ की दरगाह है रमजान शरीफ है। कौन है ये शादाना वाली सरकार के? उनके साथ के ही हैं, उनके साथ के ही हैं जो साथ में आए थे, उनके साथ ही। तो ज़ियारत कर लेते हैं। तो ये कैलाशा मियाँ की जो दरगाह है, मज़ार है, दरगाह शरीफ के अंदर है, दाना वाली सरकार के मज़ार शरीफ, दरगाह शरीफ के अंदर ही है मज़ार बनी हुई। तो आप लोग जब भी आएंगे यहाँ पे, आप लोग यहाँ पे ज़ियारत कर सकते हैं। और यहाँ पे एक मस्जिद है, वो मस्जिद को भी हम लोग एक बार दिखा रहे हैं। ये डॉक्टर साहब के लिए ले, ये मंगनम तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसे आप देख सकते हैं ये माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत गुंबद बनाया हुआ है, बहुत प्यारा गुंबद है माशाल्लाह, शादाना वाली सरकार का। और ये यहाँ पे ये गंगापुर एरिया है बरेली के अंदर, जैसे हमारे हसन भाई ने हमें बताया पूरा डिटेल से। क्या नाम है भाई आपका? मैं बोल रहा हूँ हमारी इंसान सरकार का। अच्छा, चलो जल्दी इंशाल्लाह आपको शिफा मिले, मैं आपके लिए दुआ करूँगा इंशाल्लाह। बेफिक्र हो जाओ, जल्दी से आपको इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा जल्दी से। नहीं आ रही एक साल से, हो जाए अजमेर भी सलाम करना। आओ अजमेर आओ तो मिलो हमसे। हाँ भैया इंशाल्लाह ख्वाजा जी आपको जल्दी बुलावे आपके दरबार में, ठीक हो जाऊं तो जाऊंगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लोग आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हाजिरी आ रही है इनको, तो यहाँ पे आते हैं। हाँ बस
हाजिरी के लिए आते हैं यहाँ पे। ये मतलब ये फोन नहीं चाहिए, ये छीन लेते हैं। कौन ये पकड़ा मैंने? चलो अच्छा, जुमेरात के दिन काफी यहाँ पे लोग आते हैं हाजिरी के लिए, बहुत लोग आते हैं। बहुत फायदा हुआ सब लोगों को। अच्छा अच्छा चलो ठीक है। आइए हजरत। नहीं फूल तो पेश करते। अस्सलाम वालेकुम, अजमेर से आया हूँ मैं, अजमेर दरगाह शरीफ से। आइए आइए जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनवर। अनवर भाई तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये हमसे सलाम दुआ किया अनवर भाई ने, बहुत अच्छे इंसान हैं माशाल्लाह। फूल आप जब भी आएंगे यहाँ पे इनसे ले सकते हैं। ये शादाना वाली सरकार के जस्ट ये राइट साइड में इनकी दुकान है। और इन हमने हमारे जूते चप्पल भी रखे इनसे, हमने एक इन्होंने हमसे एक रुपये नहीं लिया। तो आप सबको सब इनके पास आना है। फूल 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 चादर की दुकान, जो भी लेना चाहें आप पेश कर सकते हैं अंदर। वाले सलाम और हजरत कैसे? खैरियत? मैं अजमेर दरगाह शरीफ से, खादिम अजमेर दरगाह। आइए आइए दरबार में आइए, इंशाल्लाह मुलाकात करिए आप दरबार में। आप कहाँ से? हम दरगाह बशीर मियां में रहते हैं। बशीर मियां उर्दू के नाम। अच्छा, बशीर मियां की दरगाह के पास तो हाजिरी देने के लिए आए। इंशाल्लाह उनका काम जल्दी हो जाएगा। मैं नंबर अभी दे देता हूँ, नंबर ले लिया आप। हाँ बाबा जी, जब जाएँ तो ज़्यारत कर लिएगा। भाई वहीं रहते हैं। अच्छा मंडे बिल्कुल आपकी हम सलामत कर लेंगे इंशाल्लाह दरबार के अंदर। इंशाल्लाह खाजा जी के सदके तो पहले आप लोग का काम के लिए एक सबके लिए खाजा जी के सदके तो पहले आप सबका बेड़ा पार हो जाएगा इंशाल्लाह। हिंदल वाली सरकार है वो सब, इंशाल्लाह जो भी काम बिगड़े हुए काम आप सबके। क्या नाम है बेटे का? दुआ मैं अर्ज कर दूँगा, पेश कर दूँगा आप सबके नाम से। इंशाल्लाह जितने भी आप लोग बैठे हैं सबके लिए मैं दुआ करूँगा दरबार गरीब नवाज में। इंशाल्लाह जितने भी आपकी तकलीफ़ात हैं मुश्किल हैं सब जल्द से जल्द हल हो जाए। दरगाह शरीफ जाए तो भाई से मिले, भाई का गेस्ट हाउस होटल वहीं पे सब चीज़ें हैं। इंशाल्लाह उनका जितना भी बिगड़ा हुआ काम है इंशाल्लाह जल्द से जल्द हल हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये अम्मा हमें मिली है यहाँ पे दरबार में, तो इनसे हम जानेंगे कि क्या क्या करामात है बाबा के। बाबा की ये करामात है कि जिनका घर नहीं होता उन्हें घर मिलता है। अच्छा माशाल्लाह। जो गरीब होते हैं उन्हें दौलत मिलती है, और जो भी फरियाद लेते आते हैं वो पूरी हो जाती है। मैं बेघर थी, मैं रामपुर के रहने वाली थी, मेरा घर नहीं था जी। जब मैं यहाँ आई मुझे सरकारों का पता चला जी। फिर मैं यहाँ आई तो मेहनत पर आदमी की थी, लेकिन सरकारों का करम उनके सबके वसीले से काम आपका बिगड़ा हुआ काम बन जाता है। तो मुझे मिला तो छोटा सा ही घर, लेकिन आज मैं घर वाली हूँ, मेरे बच्चे भी बड़े हो गए जी। लेकिन मुझे कुछ लोगों ने करा दिया जल के वजह से, तो आज मैं पहले भी सरकारों की थी और आज भी सरकारों की और मरते दम तक रहूँगी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है कुसुम जी। तो आप लोग देख सकते हैं इन्होंने हमको बताई, पूरी करामात बताई शादाना वाली सरकार के बारे में। और मैं मेरे बाप दादे दादों से वलियों के गुलाम जी, और रहेंगे आने वाली पीढ़ी को भी मैं बता के जाऊंगी कि सरकारों से जुड़े रहो, ऊपर भगवान से नीचे वलियों से। और अजमेर आए दरबार में? मेरी बेटी होके आई है अजमेर शरीफ, हाजी अली किचोता शरीफ साबिर साहब सब मैं हो आई, सरकारों ने सबके वो करा दिए। आप आए दरबार में इंशाल्लाह मिल जी, सरकार बुलाएंगे जरूर। बिल्कुल बिल्कुल चलिए बहुत जी, जब जाओ तो सरकारों से सलाम करें। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी हम लोग चलेंगे इमरान अली खान भाई, जो हमारे नगर पालिका ठीरिया जो एरिया है वहाँ के चेयरमैन है,
तो हम लोग अभी इजाजत कर चुके हैं शायद आने वाली सरकार के, और हम लोग अभी जाएंगे उनसे मिलने के लिए। तो आइए लेके चलता हूँ, ये शायद आने वाली सरकार का जो मेन गेट है, ये मेन गेट है यहाँ पे। और कौन सा एरिया ये? गंगापुर। गंगापुर ये जो एरिया पूरा, ये यहाँ से जैसे बताया जा रहा है यहाँ पे, ये पूरा एरिया में गंगा एक ज़माने में यहाँ बहा करता थी। और इंशाल्लाह अभी हम लोग चलते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये मुंबई जायका दुकान है यहाँ पे, और काफ़ी शॉप्स हैं यहाँ पे आसपास में। ये पूरा एरिया जो है पूरा काफ़ी मार्केट से भरा हुआ है। यहाँ पे फूल चादर की दुकान है, ये लोग आप लोग देख सकते हैं, गरीब नवाज़ मैट्रेस एंड इलेक्ट्रॉनिक, ख्वाजा गरीब नवाज़ के दीवाने। तो माशाल्लाह आपको हर कोने पे पूरे दुनिया के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो आइए मैं आप लोग को लेके चलता हूँ। भाई और बहनों, जैसे आप लोग को पता है मैं बरेली यूपी साइड आया था शादी में, और यहाँ पे मैंने जैसे आप लोग को पता है मेरे ब्लॉग के जरिए मैं आप लोग को जितनी भी औलिया अल्लाह की दरगाहें, जितनी भी दरगाहें हैं यूपी के अंदर, मैं कोशिश करूंगा मैं इस कम टाइम के अंदर मैं आप लोग को मैं ज्यारत पे लेके जाऊँ। तो इसी दौरान हमारे इमरान भाई से हम बात करेंगे, जो हमारे से मुलाकात हुई थी पिछले ब्लॉग में ट्रेन के अंदर हमारी इनसे मुलाकात हुई थी। आशिक है, ख्वाजा गरीब नवाज है, और अजमेर शरीफ से ये आ रहे थे यहाँ पे ठीरिया बरेली। तो आइए हम लोग। मैं इमरान अली खान, नगर पंचायत ठीरिया बसका का चेयरमैन हूँ। हजरत से मेरी मुलाकात ट्रेन में हुई, और इंशाल्लाह सरकार ख्वाजा गरीब नवाज का करम है, आज मेरे कार्यालय में तशरीफ लेके आया। मैं इनका तहे दिल से इस्तकबाल शुक्रिया अदा करता हूँ। पूरा ग्रुप, मेरे पूरे परिवार, मेरे सभी कार्यकर्ता सब हंसी खुशा रहा है, और सरकार का मुझ पर करम। आमीन आमीन। इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा दरबार में, हमेशा दरबार में इंशाल्लाह जब भी वापस लौटूंगा इंशाल्लाह दुआ करूंगा कि इंशाल्लाह करम ख्वाजा जी का इनके ऊपर बना रहे, इमरान अली खान भाई पे और इनके वाजिद खान। मैं नगर पंचायत से ख्वाजा गरीब नवाज के, तो वहाँ से हम वापस आ रहे थे, तो हमारा हजरत से मुलाकात हो गई ट्रेन में। तो ट्रेन का हमें बहुत, उनका हजरत का बहुत अच्छा व्यवहार लगा, तो हमने उनको दावत दी। वो हमारे भतीजा चेयरमैन नगर पंचायत इमरान अली खान ने उनको दावत दी, तो वो कार्यालय में तशरीफ लाए, उनसे हमारी मुलाकात हुई। बहुत बहुत उनका शुक्रिया। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें यहाँ पे बुलाए। और ये हजरत ये भी थे हमारे साथ, और चाचा भी थे अपने हमारे। बहुत अच्छा सफर था माशाल्लाह, बहुत कुछ बातें हुई जी इंशाल्लाह। और ये हमारी हजरत से मुलाकात हुई, इमरान लिखा मेरे छोटे भाई हैं। मैं एमएस मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में जॉब करता हूँ, जॉइंट सेक्रेटरी हूँ, वहाँ स्टोर इंचार्ज हूँ, वहाँ पर। और हजरत का बहुत मैं रूबरू हुआ, बहुत मुखातिब हुए। मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ नगर पंचायत ठीरिया निजावत खान की सरजम पे तशरीफ आए। इंशाल्लाह मैं फिर दावत देता हूँ, दोबारा फिर तशरीफ लाए, अल्लाह ने चाहे मुलाकात होती रहेगी। हजरत का बिहेवियर नेचर बहुत बढ़िया है, इससे मैं बहुत ग्रेट हुआ। भाव भाई यार भी तेरह दिन मंडी में हमारी हालत है, हजरत से हमारी ट्रेन में मुलाकात हुई थी, हजरत ने ख्वाजा जी ने यहाँ पे बुला लिया हमको, ख्वाजा जी ने हमें यहाँ पर बुला लिया, साथ में बिठा दिया, साथ में बैठे हमारे चेयरमैन साहब ने दी थी यार। इंशाल्लाह अजमेर में तो, अजमेर में तो इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह, अपना वहाँ पे भी मुलाकात होगी। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ब्लॉग को आप कंटिन्यू देखें, इंशाल्लाह मैं आप लोग को और अभी दरगाह ज्यारतों पे लेके चलूंगा। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जो आइसक्रीम है माशाल्लाह, ये हमारे फिरोज भाई यहाँ पे जो बैठे हैं, फिरोज भाई जो हमारे साथ ट्रेन में भी थे माशाल्लाह सफर में, तो ये इनकी खुद की कंपनी है माशाल्लाह। फिरोज भाई अपनी कौन सी कंपनी है ये? माशाल्लाह ये एम्पीरियल आइसक्रीम का मैंगो है माशाल्लाह। इन्होंने हमें यहाँ पे खास तौर पे यहाँ पे इमरान भाई के ऑफिस में खिलाने के लिए लेकर आए जी। अल्लाह आपको ख्वाजा जी के सदके में इंशाल्लाह खूब सारा बरकत दे इंशाल्लाह। आमीन इंशाल्लाह, और सब लोगों को आमीन आमीन सबके लिए इंशाल्लाह, दुआ तो सबके लिए इंशाल्लाह।
तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये हमारे इमरान भाई और पूरी फैमिली और इनके जितने भी सब साथी हैं, बहुत खातिरदारी करी हम इनके लिए, हमेशा दरबार गरीब नवाज में बहुत दुआ करेंगे इंशाल्लाह कि इन सब के लिए कारोबार में, काम में खूब तरक्की आता हो, आजादी के सबके तो फैल में इनकी जितने भी बिगड़े हुए काम है सब इंशाल्लाह वो आसान फरमा दे। और इंशाल्लाह हम दरबार गरीब नवाज में बहुत जल्द आपसे मिलेंगे। बहुत 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 शुक्रिया। जो जो भी है वो इंसान है, वो इंसान है, मिलेंगे इंशाल्लाह। अपनी तबीयत का ध्यान रखिए सब इंशाल्लाह, खाजे सबकी लंबी उम्र अता फरमाए। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगा। ये ब्लॉग मैंने शाहदाना वाली सरकार के दरगाह शरीफ में मैंने बनाया, बरेली गांधीपुर एरिया है, यहाँ पे मैंने ये ब्लॉग यहाँ पे आप लोग के लिए, सबके लिए बनाया। और इंशाल्लाह ऐसे ही ब्लॉग्स के लिए मैं आप सबसे इंशाल्लाह बहुत जल्द फिर से मिलूँगा। आने वाले दिनों में मैं इंशाल्लाह ये जितने भी ब्लॉग्स डालूँगा सारे यूपी बरेली के जितने भी दरगाह हैं उन सबकी मैं वीडियोज़ बना बना के आप लोग तक पहुँचाऊँगा। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों से बहुत जल्द मिलूँगा, तब तक अस्सलाम वालेकुम, फी अमानिल्लाह।